नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर अधिवेशन जो कि समाजवादी पार्टी का चल रहा था, कल राज्य स्तरीय था, आज राष्ट्रीय अधिवेशन था, और आज भी जो हुआ वो शायद तय था या जरूरत थी, ये तो मूल्यांकन विशेषज्ञ करेंगे या पार्टी स्वयं जानती होगी या विपक्ष जानता होगा। फिलहाल अखिलेश यादव तीसरी बार यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, औपचारिक घोषणा आज हो गई है, घोषित कर दिए गए हैं। रामगोपाल यादव इसको बता चुके हैं और घोषित कर दिए गए हैं। रणनीति 24 चुनाव को लेकर, रणनीति निकाय चुनाव को लेकर, और तमाम बातें मंच से ऐसी कही गई जिससे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह धरातली संघर्ष के लिए उतारू हो चुकी है और अब जनता को समाजवादी पार्टी का वही रुख देखने मिलेगा जिसके लिए वो जानी जाती है, यानी संघर्ष। पर कहीं ना कहीं एक महत्व यहाँ पर यह भी है कि अखिलेश यादव का कहना यह भी था कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हाँ, बीजेपी को हटाने के लिए वो हर त्याग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा महागठबंधन होता है, वो गठबंधन बीजेपी को अगर हराता नजर आता है या नज़र आता है कि हाँ बीजेपी को कड़ी चुनौती यहाँ देता नज़र आता है तो वो हर त्याग करने तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो केवल शोषण कर रही है और इस शोषण को जनता अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब बदलाव तय है। और 24 को लेकर यहाँ तमाम तरह की राजनीति पर चर्चा हुई। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है क्योंकि जिस तरह से विपक्ष भी अब अखिलेश यादव को यही बता रहा है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया कि परिवार को ही परिवार का मुखिया मिला, यानी परिवारवाद की राजनीति है और परिवार का ही मुखिया यहाँ बनता है और बनाएगा, और वही हुआ भी। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का भी यही कहना रहा कि जो हुआ वो स्पष्ट दिखाता है कि यहाँ पर केवल परिवारवाद को ही प्रमुखता दी जाती है, यहाँ पर अन्य कोई आदमी नहीं बन सकता है और जनता भी समझ चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, क्योंकि अगर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उत्तर प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है भारत के व्यवस्थाओं में, चुनावी व्यवस्थाओं में। केंद्र में पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश में आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, और ये हम नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। फिलहाल कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपोगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपोगेंडा के सहारे चल रही है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन गरीबी के कारण, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान दुखी हैं, उसके बावजूद भी नौकरी और रोजगार के लिए जा रहे हैं। सरकार ये न समझे कि वो आ रहे हैं भर्ती के लिए, वो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भर्ती में पहुंच रहे हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव जी चार चार पराजयों के बाद भी अब भी ये बात नहीं समझ पाए कि उत्तर प्रदेश अब कास्ट की और कम्युनल की राजनीति से आगे बढ़कर के अब विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है। आज भी उन्होंने अपने अधिवेशन में इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करके अपने कार्यकर्ताओं को फिर बरगलाया है और यह एहसास कराया है कि उनकी नाकामियों से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के कारण चुनाव हारे हैं।
वो आज भी यादव और मुस्लिम का राग गाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज भी जाति के आधार पर काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश जी ने ये सच तो माना कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हर बूथ पर मौजूद हैं और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एक नीति है शुरू से, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि मजबूती से बात 2022 के चुनाव में जरूर नजर आई थी, 111 सीटें मिली थी, 2017 का जो आंकड़ा था उससे पार करके गए थे, अच्छा आंकड़ा आया और जनता ने मजबूत विपक्ष की भूमिका में खड़ा किया। पर विपक्ष की जो भूमिका अभी तक नजर आनी थी वो अब थोड़ी नजर आने लगी है। 8 महीने का अगर कार्यकाल देखें तो 8 महीने के कार्यकाल शुरू हुआ है तब लोग दिखे ही नहीं कि कहाँ पर समर्थन यहाँ पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ पर ताजपोशी हो चुकी है, तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, रणनीति क्या होने वाली है और लगातार वो कह रहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए केंद्र की कुर्सी से वो हर त्याग करने के तैयार हैं। तो चर्चा विषय शुरुआत कर चुका हूँ मैं। अश्विनी शाही साहब भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद अखलाक जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी रूप में सैयद मोहम्मद तकी अपना पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और बिल प्रकाश मिश्रा RLD का पक्ष रखते हैं यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि अखिलेश जी दोबारा तीसरी बार यहाँ पर ताजपोशी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और विपक्ष का यहाँ पर तंज भी कसा जा रहा है कि सरकार कहीं कुछ भी हो पर जो परिवार है उसी परिवार का मुखिया हमेशा कुर्सी पे विराजमान होता है। तो पहला सवाल प्रवक्ता सभा से रहेगा। जोशी जी क्या मानते हैं यहाँ पर, क्या अलग प्रकटा नहीं रची जानी चाहिए? जैसे कांग्रेस में चल रही है, कांग्रेस में भी यही नीति चली आ रही थी, अब इस बार थोड़ा सा बदलाव की उम्मीद है, तो क्या मानते हैं यहाँ पर बदलाव की उम्मीद हो सकती थी या ये निर्धारित है कि जो भी राष्ट्रीय बनेगा वो यादव परिवार से ही रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। निश्चित तौर पे हमारे जो चुनाव कमिश्नर थे वहाँ पर माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, उनके नेतृत्व में पार्टी के जो डेलीगेट पूरे देश से आए थे, उन्होंने अपना पूरा समर्थन मतदान जो है माननीय अखिलेश यादव, और एक ही पर्चा दाखिल हुआ और वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी का हुआ जी। और निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक व्यक्तित्व और बेदाग छवि है, निश्चित तौर पर हम लोग लगातार ये देखिए बढ़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा। इस बार जो 2022 का चुनाव था, निश्चित तौर पर हमारी सीटें बढ़ी हैं, वोट परसेंटेज बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जनमत को चुराने का काम करा है। अच्छा। आप देखेंगे किस प्रकार उन्होंने अन्य लोगों के, अन्य पार्टियों के, हाँ। को के टिकट भी खुद ही बांटने का काम करा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। अच्छा। चाहे वो बसपा हो, चाहे हमारे हैदराबाद के नवाब साहब हो, वो आते हैं चुनाव में, आते हैं और पर्यटन के लिए आते हैं, यहाँ पर पर्यटन के लिए आए और फिर चले गए, दिल्ली चले गए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी लगातार योगी सरकार में जो भी आप देखें घटनाएं घटती है, उस आंसू पोंछने का काम पीड़ित परिवार का अगर किसी ने करा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और पार्टी स्तर पर भी उसकी मदद करने का काम करा है। ये काम केवल समाजवादी लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं वो तो कर सकते, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, आपका कहना मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। पर अध्यक्ष केवल एक ही परिवार से, ये जवाब नहीं दिया आपने जोशी जी। देखिए निश्चित तौर पर बदलाव नहीं होना चाहिए क्या? देखिए मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, पार्टी ये जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है और माननीय अखिलेश यादव जी उस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। अच्छा। चाहे वो सड़क हो, चाहे सदन हो, आप देख पा रहे होंगे लगातार हमारी लड़ाई 14, 17, 19, 22 चार लड़ाई हो गई। देख आपने मैंने बोला ना 22 की आप तुलना कर लीजिए कि हाँ। हमारी सीटें बढ़ी नहीं बढ़ी, आप तय उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि हमारा वोट परसेंटेज तो बना पाए विपक्ष में। निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी ने से नहीं थी, यहाँ का जो शासन प्रशासन है, चुनाव आयोग किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा था, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और AMI वाले किस तरह के टिकट दे रहे थे, निश्चित तौर पर हम लोग आपको शासन ने आपको ये व्यवस्था नहीं थी कि जब भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो लक्ष्य लेकर चली थी लक्ष्य पे आई थी, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। पिछली बार तो अच्छी खासी सीट 300 पार थी, इस बार 274 पे आई, तो यहाँ पर प्रशासन ने मदद नहीं की क्या उनको? पुराना आंकड़ा देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस तरह का जनसैलाब
अखिलेश जी की सभा में दिखाई दिया, आज उसी का कारण था जब उन्होंने गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक की यात्रा निकाली। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने तीनों कालू कानून को विवश कर दिया अखिलेश यादव जी की उस यात्रा ने, उस जनसलाब ने। तो उसके बाद इन्होंने जो स्टेप लिया है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को आज जो दो दिन की जो समिति हमारी बैठक हुई, कल प्रदेश की थी और आज हमारे राष्ट्रीय थी अधिवेशन था, आप निश्चित तौर पर आप देखिए लोगों का कितना एक जनसैलाब, लोगों के मन में कितनी भावना, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हुई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक एक परिवार से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उनका जो जीने का सपना है, इसके अलावा उनका जो सपना होता है हम जैसे समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का, उसकी लड़ाई को लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में केवल अखिलेश यादव ही मजबूत आर्मी है जो कि इसको बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का एक ऐसा विजन है, मैं तो कहूंगा आने वाले समय में आप देखिएगा हमारे देश का भी नेतृत्व करेंगे और वैश्विक नेता की छवि, मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये बताइए तो अगर निर्भर चुनाव करना तो कमरे में बैठ के कर सकते हैं? निश्चित तौर पर मैंने बोला ना लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरी जो परिपाटी लोकतांत्रिक तरीके से उनका चुनाव हुआ है और उसकी घोषणा हमारे प्रमुख महासचिव राष्ट्रीय राम गोपाल यादव जी ने करी है। बधाई अखिलेश जी को। अश्विनी जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर चूंकि वो मेहनत करते हैं, जनाधार बढ़ा रहे हैं और लगातार उन्हीं के जो काम है वो जनता को नजर आ रहे हैं, इसलिए उनको दोबारा उस ताजपोशी पहुंचाया गया और इस लायक हैं, इनका कहना से लायक हैं और लगातार समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना। तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं जी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं जी। और साथ में मेरी दिली इच्छा है कि जो 14 से जिस पद का निर्वहन कर रहे हैं जिस तरीके से, और आजमगढ़ और रामपुर तक के चुनाव तक में उनका निर्वहन वो चालू रहा है जी, वो निर्वहन लगातार चालू रहे, हम इस शुभकामनाओं के साथ। अब माननीय भुवन जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा कि भुवन जी जो है जिस तरीके से कह रहे हैं वही अखिलेश जी ने कहा जी। अखिलेश जी ने देखिए, अखिलेश जी के भाषण सुनने पर ये लगा सिर्फ जाति की बात कर रहे थे, दलितों पिछड़ों ये बात कर रहे जी, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे जी, बाकी न सवर्णों की बात की जी, न किसी और की बात की जी, तो जाति में उलझे रहे। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक सवाल उठाया कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, भारतीय जनता पार्टी का ही नारा चुरा लिया। अच्छा, कि हमको बूथ मजबूत करना था, हम तो पहले से मजबूत कर रहे हैं जी, तो बूथ पर हमारा बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख जो वहां पर हैं। आज अखिलेश जी के अंदर देखिए कुल मिलाकर दो बातें देखने को मिली है इस अधिवेशन में जी, जो मैं बार बार कहता हूँ, आपके चैनल पर भी कई बार कह चुका हूँ और भुवन जी भी रहे हैं उसमें जी। अखिलेश जी एक डरे हुए राजनेता है, परिवारवाद की बात चलती है, देखिए उनको एक उत्तर प्रदेश में किसी पर भरोसा नहीं है और एक ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया जिसमें कल पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था, कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे थे ये मैं बताने वाली चीज नहीं है जी। और उन्होंने भरोसा किया अपने पार्टी के लोगों पर नहीं किया और उत्तम जी को बना दिया। दूसरा, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो उसी परिवार में, जब से लगभग 92 में शायद स्थापना हुई थी, मुझे जहां तक याद है समाजवादी पार्टी जी, तब से 14 तक माननीय मुलायम सिंह जी, उसके बाद ये परिवारवाद वंशवाद की तरह बेल उसकी बढ़ती जा रही है। तो ये आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा चुनाव और अच्छे समाज का द्योतक नहीं है जी। दूसरी बात, चुनाव हार जाते हैं तो उस समय यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं जो है उस पर उंगली उठाना शुरू करते हैं। भाई 14 में आप चुनाव हारे, आप अध्यक्ष हो गए थे, तो क्या उस समय हमारी सरकार तो थी नहीं? आप उस समय हम संस्थाओं का कहां दुरुपयोग किया हमने? 14 में आप हार गए। हमेशा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए गौरव जी, जी। जो आज पता नहीं किस डर से, किस भय से, कि जो अभी सैलाब की बात हमारे भुवन भाई कह रहे थे, वो बुलंदशहर का आदमी जौनपुर में दिखता था और बुलंदशहर में भी दिखता था, कई जगह दिखा, तो उस सैलाब को देखकर इतने खुश हो गए थे, इसीलिए 111 सीट पर उनको रहना पड़ा। अगर उस सैलाब से थोड़ा सा आगे बढ़ते
तो शायद वो और लड़ाई दे पाते, और जो उनके साथी थे उनका भी सम्मान नहीं किया जी। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये उनके उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात है, जब वो शटर उठाएं, जब वो बंद करें, वो उनकी अपनी बात है, जिसको अध्यक्ष बनाए। भुवन भाई को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा ये तय है। अच्छा, भुवन भाई को नहीं बनाया जाएगा। साईं जी, पर आप चुनौती पेश करेंगे क्या 24 को लेकर रणनीति बना रहे हैं भाई बीजेपी के लिए? 24 की रणनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति पर काम कर रही है जी। इन लोगों के मन में प्रधानमंत्री की लालसा आ गई है, चाहे नीतीश जी हो चाहे कोई हो जी। बराती तो है, दूल्हा नहीं है। अच्छा, पूरे देश में बराती है, दूल्हा नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ दूल्हा भी है, बराती भी है, ठीक है, जगह भी नहीं खाली है अभी जी। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं जी, वो सभी लोग मिलके पूरा नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 75 पार का नारा दिया है जी, उस नारे पर हम काबिज रहेंगे जी। आज देखिए, समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, राज्यसभा का कमरा तक इनका छिन गया। क्या स्थितियां हैं? नहीं, कोई भी चीजें इनके पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही है। प्रयास तो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। साईं जी, प्रयास तो कर रहे हैं ना, कह तो रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, कह तो रहे हैं। एकदम है। एक अभी देखिए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ सरकार मिलकर चला रही थी बिहार में। जैसे हम लोग हटे हैं, वहां भी नई बयार भाई थी, तेजस्वी जी युवा है, इनसे कम उम्र के हैं। देखिए किस तरीके से रोज हत्या, रोज किडनैपिंग शुरू हो गई है। यही देखिए, एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात कहकर मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को। अखिलेश जी जब सड़क पे आए थे, बड़ा जनसैलाब उठा था, तो इनसे वोटर क्यों भागे थे? क्योंकि इनका जो MY फैक्टर था वो अपनी बाहें इस तरीके से करके सड़क पर आ गया था। अब तो सरकार बन रही है, अब तो दूसरे की ऐसी तैसी करनी है। अच्छा, सारा OBC दलित भाग गया, सबण का तो इनामे नहीं लेते हैं जी। सब लोग हमारे तरफ आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब इनकी सरकार आएगी, नई हवा है, नई सपा है, तो वो 2 दिन जरूर ये लोग याद रखें। जब अखिलेश यादव जी पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे तो कितने थाने फूके गए थे जी। और प्रयागराज में एक सभा हुई थी जिसमें इनकी बहुत बड़ी महिला नेत्री को इन्हीं के लोगों ने छेड़ दिया था। अच्छा, ये 2 बातें इनको ध्यान रखना पड़ेगा जी। और पहले अनुशासन के साथ अपनी चीजों को व्यवस्थित करें, तब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। ठीक है, जवाब लेता हूँ भूमि जी। प्रवक्ता प्रसपा अगला भाई, भाई आपको तो चलो जुड़े हुए थे, अब तो अलग हो गए हैं, अब तो काफी तंज का माहौल भी है। कल भी प्रसपा प्रमुख का एक ट्वीट जरूर आया था इस पर कि बिहान नहीं है, ये अफसान है। क्या मानते हैं भाई, यहाँ पर दोबारा टाचपूसी हुई है, तीसरी बार यहाँ पर बनाए गए हैं, और नारा उनका है कि बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर सब कुछ त्याग कर देंगे, किस रूप में देखते भाई इस अधिवेशन को? देखिए गौरव भाई, सबसे पहले तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब को बहुत बहुत बधाई जी कि पुनः वो तीसरी बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। किस तरीके से पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ये सब भी लोगों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है जी। और रही बात देखिए, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने जो कहा, उनका ट्वीट कहा, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा भाई। अब अखिलेश जी की बात हम नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी होने की दावा करते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष जी पे अपने आइए। वो ऐसा पद है जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में और अपनी पार्टी को खत्म करने में बहुत बड़ा पद जी, बिल्कुल। उस पद पे कौन हुए थे? अखिलेश यादव साहब स्वयं थे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे जी, स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी थे जी। ये सब लोग महत्वपूर्ण लोग उस पद पे थे। और तब समाजवादी पार्टी कहाँ थी? आप चुनाव लड़िए, आप प्रदेश अध्यक्ष, आपने बनाया उनको, ठीक किया। चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी, उसके बाद पुनः उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, इसका क्या आप देखेंगे? क्यों? क्योंकि वो अखिलेश जी के खास हैं। पार्टी कार्यालय से बाहर नरेश उत्तम पटेल जी जाने का काम नहीं करते। जहां अखिलेश जी ने कह दिया केवल वहां जाएंगे, ज्ञापन देंगे और चले आएंगे। क्या ऐसा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मजबूत कर सकता है? अगर समाजवादी पार्टी की नज़रों में कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और रही दूसरी बात, जो सोशल मीडिया आज का दौर है, मैं भी लगातार 2 दिन से देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं चाहते हैं कि नरेश उत्तम पटेल जी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने। अच्छा, तो क्या समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की अब नहीं सुनती है? सीनियर लीडरों का सम्मान नहीं करती, वो तो जग जाहिर है, किसी के बताने की जरूरत नहीं है। मगर जो उनके कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नेता जी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से पार्टी होती, नेताओं से नहीं। आज कल मैं देख रहा था किस तरीके से माननीय रामगोपाल यादव जी ने कार्यकर्ताओं को हड़काया, ए इधर हटो, ये हटो, ये तरीका है?
400 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से कार्यकर्ता अपने नेता का दीदार करने आता है, एक बार देखने आता है, उसकी मनोकामना रहती है। आप किस तरीके से उनको डांट रहे हैं? अरे डांटते तो नेताजी भी थे, डांटते तो शिवपाल जी थे, मगर जितने भी कार्यकर्ता थे वो आशीर्वाद के तौर पे उनको लेते थे जी। आज क्या हो रहा है, किस तरीके से सीनियर लीडर, छोड़ दीजिए कार्यकर्ताओं का अपमानित किया जा रहा है। तो कितना नई हवा है, नई सपा है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि ये नई हवा और नई सपा है, और ये साफ सपा है। हमारे नेता ने तो कह दिया कि अब ये नहीं आगे हो सकता किसी भी तरीके से। भाई प्रदेश अध्यक्ष साहब क्या करते हैं, कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर घर पे बुलडोजर चला दिए गए, कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिख दिए गए, क्या किसी के घर गए, क्या किसी की आवाज उठाने का काम किया? भूल गए होंगे बस। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्यों याद रखेगी आपको? अच्छा, कितने लोगों से आप मिलते हैं प्रतिदिन? या आदरणीय अखिलेश यादव साहब प्रदेश अध्यक्ष जी से कितनी बार बात करते हैं कि फला जगह से हमें कितना वोट मिला, आप किन के घर गए नहीं गए? जब तक देखिए अनुशासन नहीं होगा पार्टी के अंदर। आप किसी को कोई पद देते हैं, अगर उस पद की वो गरिमा नहीं रख पाया तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। अच्छा। ऐसा एक्शन आदरणीय नेताजी भी लिया करते थे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव। अच्छा, ये आपकी पार्टी में तो अभी शिवपाल जी के पुत्र जो है, इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? मैंने आपसे यही तो बताया गौरव भाई, इससे पहले लोधी जी थे, आदरणीय लोधी जी थे। पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जी। भाई सफलता नहीं मिली जी। उनको चेंज किया गया, इसे बदला गया, बदला गया। आदरणीय आदित्य यादव युवा है, बने हैं, और मैं दावे से कहता हूं कि हम मजबूती की ओर जाएंगे। देखिए जब तक आपके प्रति, आपके लिए चीजें सही हो रही हैं, आप पद को रखिए, मगर जब आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं 47 से 111 आ गए। अरे कौन कौन नेता थे वो भी तो देखिए उसमें। आप 2017 में कहां थे? आपको 17 देख के चलना चाहिए। 22 में तो राजभर साहब भी थे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब भी थे, पूर्वांचल की धरती ने आपको 111 पहुंचाया है। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपसे। जी ठीक है, ठीक है प्रवक्ता। आप तकी भाई ये बताइए, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यहाँ पर यह भी है कि हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है, और ट्वीट भी करते हैं आपके सांसद संजय सिंह, लगातार घेरते भी हैं, पर समाजवादी पार्टी पर अब तक कोई तंज या बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। क्या सोचते हैं भाई, अंदर ही अंदर कुछ है क्या जिसके चलते विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कह रहे हैं? अब तक कुछ मुझे नज़र नहीं आया। मैं इसलिए आपको पूछ लिया, हमने हो सकता आप ही कुछ बता दें, बयान देने भाई ताजपूसी हुई है। देखिए सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूँगा, वो तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं जी। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिग शूज टू फिल इन है, और उनको प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिताना है, अपने आप को साबित करना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और समाजवादी पार्टी में अगर उसका विरोध नहीं हो रहा है और दो बांट नहीं हो रहे हैं, तो पार्टी का यह आंतरिक मामला है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर छोड़ना चाहिए। अगर वो वहाँ पे कोई दूसरा लोग नहीं खड़े हो रहे हैं तो उनका फैसला है। दूसरी बात है परिवारवाद की बात जो भारतीय जनता पार्टी बाबा उठाती है कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा संक्रमित है। 13-14 नाम है, अमित शाह के बेटे जय शाह, उनको क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कैसे बना दिया गया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, वो भी तो परिवारवाद है। पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, जयसन सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, राधे सिंधिया के दुष्यंत सिन्हा, रमन सिंह के बेटे अभिषेक, साहेब सिंह वर्मा के परेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे परेश वर्मा, ऐसे अनेकों, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन और कीर्ति आजाद, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बड़ी आंकड़ा लेके आए हैं। ये सब सपा की बात नहीं किया, ये सब परिवारवाद के ही तो लोग उदाहरण हैं, परिवारवाद से निकले हैं। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी जो इल्जाम लगाती है परिवारवाद परिवारवाद, सबसे ज्यादा परिवारवाद कहीं व्याप्त है किसी पार्टी के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त है। अच्छा, किस क्वालिफिकेशन के ऊपर, किस तहत उनको जय शाह को जो है अध्यक्ष बना दिया क्रिकेट बोर्ड का, कितनी बार क्रिकेट खेला उन्होंने, किस टीम को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, स्कूल की टीम को भी रिप्रेजेंट नहीं किया होगा उन्होंने, तो उनको वहां क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो अमित शाह के बेटे हैं। पंकज सिंह को, टंडन जी के बेटे को, उपा टंडन को, अनेक उदाहरण, कल्याण सिंह के बेटे को, ये बहुत से एग्जांपल हैं। तो ये परिवारवाद, मुख्यमंत्री थे उनके बेटे, मुख्यमंत्री बने क्या? मुख्यमंत्री बने नहीं, लेकिन पांच पार्टी के अंदर जो एमएलए बने हुए हैं। अच्छा, तो आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने में कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि वो एक शोर मचा देती है। अच्छा, एक चीजों का बीजेपी को घेर लेते। देखिए समाजवादी पार्टी जो है जो कर रही है, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी चुनाव इलेक्शन हुआ था उसमें क्या समाजवादी पार्टी की सीटें कम आई, उतनी सीटें नहीं आई। टिकट बंटवारे को लेके समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने वो परिपक्वता नहीं दिखाई। अच्छा, जो उनको दिखानी चाहिए थी, और ना ही वो संघर्ष करते हुए मुख्य विपक्ष की तरह दिखाई दिए सड़कों के ऊपर, जो किसान आंदोलन के दौरान जो उनको संघर्ष करना चाहिए था उस तरह से नहीं दिखाई दिए, और उन्होंने बीजेपी को पूरा छाने दिया। हमसे ज्यादा
आम आदमी पार्टी से ज्यादा, माननीय सांसद श्री संजय सिंह से ज्यादा और आम आदमी पार्टी के लोगों से ज्यादा किसी ने उत्तर प्रदेश में इतने प्रदर्शन नहीं किए। लगातार हमने प्रदर्शन किए कि 20-25 बार तो मैं जेल जा चुका हूँ प्रदर्शन करते करते, और आए दिन पुलिस से हमारी जो है वहां बहस होती है। आप देखिए मेरे बदन में नील पड़े हुए हैं, सीटें नहीं है इतने हंगामे की। देखिए सीट तो हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारा पहला उद्देश्य था संगठन को घर घर तक पहुंचाना, आम आदमी पार्टी की बयार को। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और हर वहां पहुंचना, उत्तर प्रदेश कोई छोटा तो नहीं, 5-6 देश आ जाएंगे इसके अंदर, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। अगर आप गाजियाबाद चलते हैं तो झांसी पहुंचने में आपको 1.5 दिन लग जाएंगे, इतनी दूरी है बीच में, तो उसको कवर करना उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। तो हमने देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित किया था, क्या हमने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया, और हमने आज हमारी कार्यकारिणी, आज हमारे लोग हर लेवल पे, वो तो हुआ है, हर जिले में खड़े हो गए, और हमें बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में मिले जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सभाजीत भाई हैं, वैभव मिश्री जी हैं, गुजरात दुबे हैं, नीलम यादव हैं। गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में, गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। सरकार बनाने जा रहे हैं वहां पर? देखिए ये तो जनता तय करेगी सरकार कौन बनाएगा, लेकिन जनता इस वक्त गुजरात की वो जो साल उसने दिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से पूरी तरह से उस पर विश्वास खत्म हो गया है, ऊब चुकी है और नए बदलाव की तरफ अग्रसर है, आगे से बढ़ रही है। साहिजी बताएंगे, साहिजी बताएंगे वो प्रवक्ता रालूट। बीर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिश्रा जी, क्या मानते हैं भाई यहाँ पर ताजपोशी हो गई तीसरी बार और बचू की आपको गठबंधन के साथ ही है, किस रूप में देखते हैं? आपको बदलाव होना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव है उसमें भी उत्तम पटेल को दोबारा यहाँ पर ताजपोशी दी गई, किस रूप में देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर होगा? देखिए माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, और साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप इस पर डिबेट करा रहे हैं और मुझे भी हमारा काम ही डिबेट कराना भाई, वो तो करेंगे करेंगे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कम से कम आपने इसका ख्याल तो रखा। बस ख्याल सबका रखते भाई, मिश्रा जी बताइए। दूसरी चीज ये है कि जो बात कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, किसके घर में क्या बदलाव होगा ये पड़ोसी थोड़े बताएगा। अच्छा, घर का मुखिया तय करेगा कि घर में कौन मॉनिटर रहेगा, क्या बात, और कौन क्या काम करेगा जी। ये तो तय करना नेतृत्व का काम, कमरे में तय कर लेते फेल, फेल स्टूडेंट को भी आप मॉनिटर बना बैठाएंगे तो अच्छी बात है। निर्णय लिया है, फेल फेल स्टूडेंट को भी मॉनिटर बना दीजिए, तरक्की पे निर्णय लिया है, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, हम उनके साथ हैं और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर 24 चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव लड़ेंगे, 24 चुनाव लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे, निकाय का चुनाव और 24 का चुनाव। अच्छा, दोनों चुनाव साथ साथ लड़ेंगे, ये बात मैं पहले भी आपके माध्यम से सबको बता चुका हूँ और आज पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे थे कि 2024 में चुनाव हराने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्या इनको ये नहीं पता है कि जनता जब चाहेगी तो बदलाव होगा? अरे वो कह तो रहे हैं दूल्हा रही है, बराती बराती है। अरे साहब इनके पास दूल्हा कहाँ है? अच्छा, अरे अब तो दूल्हा बुद्धा हो गया। अच्छा, अरे चमकता चमकता हुआ चेहरा है, 75 साल की उम्र में देखिए पूरा विश्व जो है उनके तरफ टकटकी लगा कर देख रहा है। 75 साल के 74 साल के आदमी को दूल्हा नहीं कहा जाता, दूल्हे तो हमारे यहाँ है। अच्छा, चाहे वो जैन जी को लीजिए और चाहे अखिलेश जी को ले लीजिए। अच्छा, इनके यहाँ दूल्हा कहाँ है जी? बूढ़े आदमी को दूल्हा, दूल्हा बनने के जो क्राइटेरिया बड़ा महंगा है, सीट लानी पड़ी दूल्हा बनने के लिए जी। और 24 के चुनाव में निश्चित रूप से देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। अच्छा, इसके लिए माननीय जैन जी और अखिलेश जी बिल्कुल तैयार है। अखिलेश जी बोल चुके हैं हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने कहा देश से बाहर है, दूल्हा बनने से इनकार कर दिया इन्होंने। किसने? वो तो बोले हम रेस से बाहर है, प्रधानमंत्री नहीं बनने से बाहर है, बराती बनने को तैयार है, बराती तो बनेंगे। अखिलेश इनको ये क्या पता कौन रेस से बाहर है, दूल्हा ना बने बराती तो बनने को तैयार है। आप देख लीजिएगा करके कि रेस में कौन आदमी है, जो आदमी रेस में आया हुआ है उससे आप इतना घबराए हुए हैं कि रात दिन आप चिल्लाते हैं कि साहब इनके पास दूल्हा नहीं, दूल्हा नहीं, दूल्हा नहीं, दूल्हा नहीं, अच्छा मेरे पास दूल्हा है। अच्छा, ये तो आप इतने घबराए हुए हैं, आपको पता है कि 2000 हम क्यों घबराएंगे भाई, मार रहे हैं। एक दूल्हे का नाम बता दीजिए, 25 दूल्हा नहीं, एक दूल्हे का नाम बताइए। आपने देश को तबाह कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान सड़क पर घूम रहा है,
बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपने किस हालत में देश को पहुंचा दिया और क्या आप सोचते हैं कि 2024 का अभी 6 महीने पहले चुनाव में यही आप लोग चिल्लाते थे लेकिन जनता ने नहीं सुना। आप देखिए केवल विवाह स्वप्न देखिए कि साहब 2024 में हम चुनाव जीत रहे हैं, 2024 में आप जा रहे हैं, आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। अच्छा। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आप केवल धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों की भावनाओं को भुना करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है जिस एजेंडे के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे। आपने क्या हालत कर दी देश की 2014 की और आज की अगर तुलना करें, आज सबसे निचले स्तर पर रुपया है और चिल्लाते थे आप किसान रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, हम देश को सुधारेंगे, कहाँ है साहब आप? आप देख लीजिए सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, कहाँ आपने डीजल पेट्रोल महंगाई को किस हद तक पहुंचा दिया, लोगों की रोटियों पर आपने टैक्स लगा दिया। अच्छा। आपकी अगर चले तो आप लोगों की साख पे टैक्स लगा दें और अगर आपकी पुनरावृत्ति हुई तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों को गिनती की सांस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। अच्छा, फिलहाल तो राशन बढ़ा दे 3 महीने के लिए। देश बेच रहे हैं जी गौरव भाई, पूरा देश बिक रहा है, संस्थाएं बिक रही है, ठीक है, हो गया। और जो कुछ यहाँ मुद्दा दूसरा है भाई, यहाँ मुद्दा दूसरा है, चले ठीक है साहिब साहब जवाब दीजिए फिर बाकी मेहमान को देता हूँ। जी देखिए गौरव जी, पहले हम लोग जब थोड़ा 25-30 साल पहले जाएंगे तो एक LP बजता था। अच्छा। जब वो फंस जाता था तो लता मंगेशकर की आवाज भी मुकेश टाइप हो जाती थी। अच्छा। तो हमारे रालोद के प्रवक्ता जो है, चाहे सपा के प्रवक्ता हो, कुछ प्रबुद्ध लोगों को छोड़ दें, जो मुद्दे से भटकाव करते हैं, तो वो महंगाई बेरोजगारी पर जरूर जाते हैं। 5-6 चीजें हैं, चाहे विरोध के कोई भी नेता हो, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, ये 5-6 वाक्य है, ये रखते रहते हैं। लेकिन गौरव भाई ये देखना है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये कह रहे हैं दूल्हा नहीं है, मैं बड़े विनम्रता से सुन लीजिए चलिए सुन लीजिए वीर भाई, अरे सुन लीजिए बाकी मेहमान भी है भाई, अरे भाई क्यों सुने, अरे सुन लीजिए थोड़ा भाई जी, ये एक विधानसभा नहीं है भैया, डिबेट है मेरी जी जी। आप 4 साल के लिए भर्ती करने जा रहे हो सेना में जी, और आपने गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का बिकता था आज वो 1050 रुपए का बिक रहा है, 65 रुपए का पेट्रोल था 110 रुपए में बिक रहा है जी। और आप बता रहे हो कि साहब लोग परेशान है, महंगाई नहीं है, अरे दही खरीदते हो दूध खरीदते हो उसकी हालत क्या करती है आप लोगों ने? अच्छा, ठीक है, निवाला छीन लिया था, अगर ठीक है समाप्त हो जाए तो गौरव जी में, अरे बेर भाई हो गया ओके, सुन लीजिए भाई थोड़ा, सबको मौका दीजिए, सही साहब बात पूरी करिए फिर जी, जी, मैं यही कह रहा था जी कि मैं बड़े विनम्रता से कहता हूं कि हमारे जो भी सब विरोधी दल हैं एक दूल्हे का नाम बता दें। अखिलेश जी ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं हूं, नीतीश जी दौड़ रहे हैं चाहे जो भी है जी, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ दूल्हा है पहली बात जी। दूसरी बात, जितना अभी ये चिल्लाए हैं रालोद के हमारे साथी, ये अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ था, जनता के बीच में दौड़ के यही कहते थे ये लोग, लेकिन जनता जानती है कि हमको हम कहां सुरक्षित हैं, हमारे साथ कौन खड़ा है, वो योगी और मोदी सरकार खड़ी थी। अच्छा। इसलिए वो हमको वोट देकर, आशीर्वाद देकर हमको विधानसभा में पहुंचाए, और वही लोग, अरे सुन लीजिए राष्ट्रीय लोग, बेजी सुन लीजिए, अरे बेजी सुन लीजिए फिर अभी जी, सुन लीजिए बोलिए गौरव जी जी, शांत कराइए भाई तो मैं बोलूं, बोलिए साहिब जी बोलिए। तो आज राष्ट्रीय लोकदल की कहीं नुमाइंदगी जो है वो तो अनुकंपा पर नुमाइंदगी राज्यसभा में हो गई, नहीं तो लोकसभा में नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा। इनको ज्यादा टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी ने और कितने जीत कर आए, सुभाषपा को कम टिकट दिया कितने जीत कर आए ये भी देखना चाहिए, रालोद के लोग को बोलने का कोई हक नहीं है। अगर मैं अपनी बात कहता हूँ, ये इनका इंटरनल मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो जनता के हित का काम किया, हमने जनता के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी के ऊपर आपने आज बहस रखा है, ये लगातार बोलेंगे डिस्टर्ब हो रहा है, अरे बेटी सुन लीजिए भाई मिश्रा जी, हो जाता हूँ, सुन लीजिए दूसरे सुन लीजिए, आप सब सुन रहे थे, बोलिए गौरव जी, इनको ही बुलवाइए, यही बोले भाई, सुन लीजिए, दूसरे सुनना जरूरी है भाई, सुनाइए बोलिए, बाकी मेहमान भी है भाई, बोलिए
नहीं, एक बहस की, एक बहस की गरिमा होती है, मौका आएगा नहीं बोलने का मौका दूंगा, सब आपको भी सुनेंगे, बोलिए बोलिए साहिद जल्दी जी। भाई जो गौरव भाई जो बहस की गरिमा नहीं रख सकता है उसको डिबेट से उठ के चले जाना चाहिए जी, बिल्कुल बीच में बोलने का पता नहीं कौन सा लोगों को, हम लोग दूर दूर बैठे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए भाई, अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने जब आपको बोलने मौका दिया जाए बोलिए। गौरव जी इनसे बुलवाइए, मैं शांत हो जाता हूँ जी। चलिए बोलिए साहिद जी, बोलिए, पर बम भास्कर जी को लेता, बोलिए साहिद जी बोलिए। नहीं नहीं, बुलवा लीजिए, बोल लीजिए जी, बोलिए बोलिए साहिद जी, बोलिए, डिस्टर्ब करते हैं लोग, नहीं बोलेंगे जब बोलिए। देखिए आज आज बहस का मुद्दा है समाजवादी पार्टी का अधिवेशन जी। समाजवादी पार्टी एक हमारा बड़ा विरोधी दल है और अकेले है, 111 सीटों के साथ है वो लोग, अपना पूरा प्रयास करेंगे जी। मगर दो चार बातें जो वो लोग बार बार करते हैं, अखिलेश जी बार बार करते हैं, संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा उनको, जनता पर भी भरोसा करना पड़ेगा उनको जी। सिर्फ एक जाति की बात करने की बात ना करें, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो आज सब लोग हमारे साथ हैं जी। कोई एक कोई भी जाति, कोई एक जो है समाज के लोग हमको यहाँ पर नहीं पहुंचाते हैं कि हम 300 सीट तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सबका साथ होता है, सभी लोगों का। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक डेटा आया था, हमारे महिलाओं ने जो भी सबको कह रहे थे ना ये महंगाई ये बेरोजगारी, जैसे एक मैं समाज उठाता हूं जाट समाज जी, अगर उनको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उन्होंने 41% हमको वोट दिया तो उनकी महिलाओं ने हमको लगभग 55% वोट दिया। यादव समाज अगर उन्होंने हमको 20% वोट दिया तो महिलाओं ने हमको उसमें 35% वोट दिया। तो हमको आज महिलाओं का एक वर्ग हमने खड़ा किया है जो हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है, क्योंकि घर की मालकिन महिला होती है, वो उज्ज्वला गैस के से आच्छादित है, शौचालय उसका कष्ट उसका दूर हुआ है, घर उसके नाम से मिला है, उसके घर के लोगों को टीका लगा है, तो ये बहुत सी चीजें जो है उन महिलाओं को दिया गया है। तो आज वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वर्ग बनकर खड़ी हुई हैं और इनसे कोसों दूर है समाजवादी पार्टी या अन्य दल। ठीक है, ठीक है जी। जोशी जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के साई भाई की बातों का बहुत सारा जवाब देना, थोड़ा आपसे चाहूंगा थोड़ा समय दीजिए। समय बोलिए बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश का वैज्ञानिक जब प्रयोग करता है उसका लाभ पूरा देश और विश्व लेता है जी। और राजनीति शास्त्र को आप तो बहुत अनुभवी हैं और आप इससे पहले जी जिस विषय में थे मेरे थोड़ा संज्ञान है, तो आपने भी राजनीति शास्त्र को अच्छे से अध्ययन जमीन पे भी और वैसे भी करा हुआ आपने, तो आप जानते होंगे मैं भी राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी किया जाता जी। और विज्ञान बिना प्रयोग के होता नहीं है जी, बिल्कुल। और निश्चित तौर पे, और इन्होंने एक शब्द कहा जिसकी मुझे घोर आपत्ति है, अच्छा। इन्होंने हमारे नेता को कहा डरा हुआ व्यक्ति, अच्छा। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ साईं जी, डरा हुआ नेता डरा हुआ वैज्ञानिक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार प्रयोग करते हैं और प्रयोग वो करते हैं जिनमें हिम्मत होती है प्रयोग करने की, वरना क्या है आपका तो एक ही डर रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा लीजिए और आपस में इनको विभाजन करके अपने वोट ले लीजिए, 80-20 की बात आपकी नेता करते हैं। मैं आपके साथ साथ इसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं, इनको बहुत सारा घमंड हो गया है। जब दो सीटें इनकी थी संसद में, जब ये दो सांसद होते थे तो लोग कहते हैं क्या ये बीजेपी वाले आएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा करते थे। लेकिन मैं इनको, अश्विनी भाई को अभी उम्र कम है, मैं इनको अनुभव देना चाहता हूँ, हम लोग अर्धशतक लग चुका है उम्र का, 27 साल राजनीतिक जीवन में हो गए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा, हमेशा समय समय पर देश ने तय करा है, कोई कोई पार्टी तय नहीं करती है, और ये नेतृत्व देश तय करेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, देवेगौड़ा जी कभी सोचा था उन्होंने प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश ने तय करा। इंद्र कुमार गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, बहुत लंबी फेरी है इस बात की, ये देश नहीं करता है, इनको अहंकार आ गया, सत्ता का अहंकार आ गया। अच्छा। और एक टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों ने, लोग कांग्रेस के लोग कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, अच्छा। यानी कि इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंडिया है। लेकिन आपको पता आपातकाल के बाद उनकी स्थिति क्या हुई, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरे वैश्विक नेता थे, वो कैसे गायब हो गए? शाही जी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, 4 बार सरकार बनाई है हमने, अच्छा। और आपने जो सत्ता की जो लूट करी है, जनमत की जो लूट करी है,
पूरा देश और प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जनमत चोरी की सरकार आपने बनाई है। और निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में युवा यहाँ के मात्र शक्ति और लगातार ये अपना फेलियर बता नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, 400% गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, 400% फीस बढ़ा दिया आपने, आपने परीक्षा लीक कर दी, इस लगातार परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा लीक हो रही है। आप बताइए किसकी जवाबदेही किसकी है, मात्र शक्ति की स्थिति देखिए आप, अभी अभी लखीमपुर खीरी में क्या स्थिति है आज देश प्रदेश की, आप बताइए किस ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका इंटेलिजेंस भी लगातार फेल होता जा रहा है। लल्लू मॉल की घटना को आप देख लीजिए, कानपुर की घटना को देख लीजिए, निश्चित तौर पर योगी सरकार के लिए इनका इंटेलिजेंस भी फेल हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये बार और जो गंगा जमुना तहजीब है, आज मैं गाजियाबाद रहता हूँ लेकिन आज मुझे कार्यक्रम की वजह से लखनऊ आने का सौभाग्य और आपके दर्शन का सौभाग्य, आपके चैनल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ के लोगों की बातें, यहाँ के लोगों की संस्कृति देखता हूँ, तो मैं भी गाजियाबाद में कुछ प्रेरणा लेके जाता हूँ। अच्छा। और इसलिए लेके जाता हूँ, जो गंगा जमुना तहजीब है यही भारत है, और यही भारत को बनाने की लड़ाई मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ा रहे हैं, और निश्चित तौर पर देश जीतेगा और प्रदेश जीतेगा। वो लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं होगी, वो देश और प्रदेश की लड़ाई हम जीतेंगे। और निश्चित तौर पे चीज आपके चैनल में आज कह के जा रहा हूं, निश्चित तौर पे आज हमारी सीटें बढ़ी है, वोट परसेंट में आपने छलबल। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं महाभारत का, आज अभिमन्यु को हराकर, अभिमन्यु को मारकर कौरव बड़े खुश थे, लेकिन जीत पांडवों की हुई। ये छल की जो राजनीति है थोड़े समय चलती है। कौरव पांडव बता दीजिए, कौरव पांडव कौन है? देखिए निश्चित तौर पे हम लोग हैं। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र भी बता दीजिए, धृतराष्ट्र कौन है? आप धृतराष्ट्र वगैरह तो हमने काफी कुछ चयनित कर लिए, विभीषण भी चयनित करे कुछ। अच्छा, आपको पता है? अच्छा, हमने विभीषण भी चुने हैं और अभी धृतराष्ट्र भी चुने हैं और उनको रास्ता दिखाने का काम करा, ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव यही देखने मिल जाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश का प्रदेश का जो विकास वो विश्वास बढ़ा है, निश्चित तौर पर आप देखिएगा। हम लोग जोशी जी, हम लोग रामायण से ही बहुत खुश हैं। आप महाभारत करते रहिए, धृतराष्ट्र आप पालिए, हम लोग रामायण के राम के चरित्र से बहुत खुश हैं और उनकी उनका जो है अनुसरण करके ही आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बोला था साई जी, महाभारत में कृष्ण के वंशज तो हमारी पार्टी के नेता है। अच्छा। ये आपके पार्टी को सौभाग्य नहीं प्राप्ति है कि कृष्ण के वंशजों का आप नेतृत्व में काम कर सके। अच्छा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस युग राम में, का ही दूसरा रूप कृष्ण है, इस युग अवतारी पुरुष थे। इस युग नहीं, आप हम राम को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के अवतार थे। अभी आप राष्ट्रीय लोकदल वाले को रोक रहे थे, मेरे टर्न में आप बोल रहे हैं, आप ये मेरे साथ, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके मैं शहर में आया हूं अश्विनी जी, और ये मेरे पर अत्याचार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का अपमान है, तो आपके लखनऊ में हूँ आज मैं, आपको आज तो मेरा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मैं मेहमान हूँ आज आपका। चलिए, मेरे व्यक्तिगत मित्र है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत लोगों में जोश आज जो देखने को मिला, युवाओं में, मात्र शक्ति में, और बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में उत्तर प्रदेश से नफरत हारेगी और प्यार जीतेगा। चलिए ठीक है, प्रवक्ता आप तकी भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे शाही साहब ने कहा कि आप जो बीजेपी है वो, अरे आप बीजेपी का है बोलने लगा थे भाई, आप खुला सपा भी बोलिए, ताजपोशी है भाई, सुन तो लीजिए, मैंने ताजपोशी में बोला अभी हमने। हाँ। और ये किसी भी पार्टी इंटरनल व्यक्तिगत गौरव भाई, तकी जी समाजवादी पार्टी को अपने आगे गिन नहीं रहे, भाजपा से लड़ाई मान रहे, क्या बात है ये, दिखा रहे जी जी जी। अच्छा जी, देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर अगर फाड़ होता या कोई वहाँ नेता खड़ा होता जो कहता, वह परेशानी होती। जब सब लोगों ने स्वीकृत कर लिया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम उसमें क्या परेशान है उसके अंदर? अच्छा ठीक है, ये शाही साहब परेशान है, उनको तंज कसना है, परिवारवाद करते, अभी मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। और ये रघुकुल रीत की बात कर रहे हैं, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, कौन सा वचन माननीय योगी जी ने पूरा किया है और हमारे मोदी जी ने पूरा किया है? अच्छा। क्या 15-15 लाख खाते में आ गए? हाँ। क्या लोगों काला धन वापस आ गया? काला धन तो डबल हो गया वहां पे स्विट्जरलैंड के खातों के अंदर। क्या पेट्रोल डीजल के रेट कम हो गए? क्या डॉलर बढ़ गया, रुपए के बराबर आ गया? अब रुपया जो है 82 पहुंच गया। तो कौन सी उन्होंने रघुकुल की रीत को उन्होंने पूरा किया है
जो वो कह रहे हैं कि हम रामायण को भगवान राम को मानने वाले हैं, जवाब दीजिए। अरे भगवान राम को मानने वाला कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है, जिसने 70-70 वादे पूरे किए, जिसने जो कहा धरातल उतार के दिखाया, एक राज्य में नहीं दो दो राज्य में पंजाब में बिजली फ्री करके दिखाई। जब दिल्ली बिजली फ्री करी तो कह रहे छोटा राज्य है, मैनेज हो गया, पंजाब में नहीं कर पाएंगे। डिबेटे से नहीं भाई साहब न्यूज चैनल पे इतना डिले क्यों कर दिया जा रहा है? उसके बाद जब हुआ सब चुपचाप बैठ गए। हम वहाँ और पेंशन लागू कर रहे हैं, जवाब इन्होंने लोगों की पेंशन नौकरियां खा गए। अच्छा। और ये रोजगार खा गए लोगों के, देखो कोई रीत पूरी कर रहे हैं। अरे भगवान राम का नाम आपने सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा। राम नाम जपना पराया माल अपना, ये आपका मंत्र है हमेशा। अच्छा, राम के नाम पे मंदिर में लूट किया आपने, राम की जमीन पे लूट किया आपने, हजारों करोड़ की आप लोग भगवान राम के अनुयायी कहां से? जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, बोलिए तकी भाई, बोलिए साईं जी, कोई एक गुण बताइए भगवान राम कहां पे मिलता हो? बोलिए साईं जी, बोलिए एक गुण बताइए जी, बोलिए तकी भाई जी बोले। अच्छा, अच्छी बात उन्होंने कहा, कुल रीत सदा चली आई, कम से कम हमने विरोध तो नहीं किया, हम तो उनके लिए लगे रहे, अपने एजेंडे में रखा। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमने बच्चों की कसम खाकर यू टर्न नहीं लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे वो नहीं किया, बच्चों की कसम खाकर जिस आदमी ने जो है वो अपने को यू टर्न लिया है, उससे घृणित इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। ये सब नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जो काम किया है, आज विश्व में पांचवे नंबर पर इकोनॉमी को लेकर खड़ा कर दिया है, देश को ये दिया है। आज हथियारों के हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट सबसे बड़े हम करते थे वहां पर लेकर खड़ा किया है। विदेश नीति की सराहना आज हमारे विरोधी देश कर रहे हैं, यहाँ प्रदेश को लेकर खड़ा किया है। आज हमारे पास 600 अरब के पर लगभग उतना हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, क्या करेंगे सकी भाई? बेटे से बच्चों से बड़ा कोई नहीं होता, और केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाया, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को लेकर दो पन्ने का हेड निकला हिंदुस्तान टाइम्स में, महिला अब वो नहीं बोलने देंगे मुझे। जवाब नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चों की कसम खाने वाले पार्टी के सदस्य है वो, इसलिए नहीं सुनेंगे। सच्चाई सामने आएगी और अभी आ रही है। देखिए, 4-5 दिन में मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए, इनके नेता को पता चल गया, पूरा खुल के आ रहा है। जो बिजली फ्री कर रहे हैं, मोदी जी ने सब्सिडी छोड़ने की बात की और समझाते रहे, और इन्होंने आकर दिल्ली में कहा कि भाई अब बिजली उसको फ्री नहीं दी जाएगी सबको, सब्सिडी जिसको छोड़ना हो छोड़े, पहले बताए हमको, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है देश की बेइज्जती कराते हैं, दारू पीकर वहां पर उतार दिए जाते हैं प्लेन से, झूठ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये तो इन लोगों का वो है। आज स्थिति आम आदमी पार्टी एक्सपोज खुद हो गई है, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। शराब घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, अभी देखिए। और तोता इनका पकड़ा गया है, विजय नायर, जिसमें सिसोदिया जी की और केजरीवाल जी की जान बचती है, और वो तकी भाई मैं बता देता हूँ, वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अब सोचिए क्या होगा जी। एक मन्ना डे जी ने गाना लिखा था, एक चतुर नार करके सिंगार, अपने ही जात में फसत जात, फसत जात, बीजेपी चतुर नार है तो सिंगार क्रश रस के नए नए व्यंग नए नए षड्यंत्र चल रही है, लेकिन अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। ये आज कह रहे थे मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के ऊपर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, नितिन जैन पे कोर्ट ने इनको फटकारा है, अमानतुल्ला खान छूट गए, उन्होंने हमारे कई विधायकों के ऊपर डबल प्रॉफिट लेने का केस लगाया, उसमें से 5 साल भरी हो गए। कितने मुकदमे आम आदमी पार्टी ने जीते हैं, कितने बार ये झूठे साबित हुए, उसके बाद इंसाफ लगाने चले आते हैं। भाई हिम्मत की दाद देता हूँ, हिम्मत की दाद है भाई, इन्होंने चतुर नाग की तरह सिंगार कर दिया, तो पड़ोसी को बुलवा लीजिए भाई। अगला भाई, बड़े देर साथ बैठे हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे आप जोशी जी की बात पर? देखिए, मैं सुन रहा था गौरव भाई जी, माननीय भुवन जोशी साहब को, भास्कर साहब को, माफ करिएगा जी, किस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे जी, और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे मैं तो समझता हूँ नरेश उत्तम पटेल साहब की जगह अगर ये प्रदेश अध्यक्ष हो जाते तो पार्टी आज बहुत तरक्की करती, पार्टी आज बहुत तरक्की करती भाई, साहब तो पहले बोल दिए नहीं, और दिल पे अगर हाथ रख ले हमारे भुवन भाई, अगर ये भी इस बात को कह दे कि ये प्रदेश अध्यक्ष मानते तो मान लूंगा जी। खैर रही दूसरी बात, नहीं कम्प्लीट कर लेनी दीजिए, और भुवन माननीय भुवन भास्कर साहब जैसे लोग बहुत हैं समाजवादी पार्टी में, जो लगातार मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लाठियां खाते हैं, पुलिस से बढ़ते फर्जी मुकदमे लेते हैं, और एक पैर पे खड़े होकर समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं जी। मगर
समाजवादी पार्टी नेतृत्व उनको क्यों निकाल हटा रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है? नहीं है जी, अब वो तो आपका नाम जो इखलाक है ना जी, वही नहीं है जी। अच्छा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या प्रदेश अध्यक्ष जी, आप समझें जी। और एक बात अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा साहब ने कही, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव साहब डरे। अच्छा, तो देखिए आदरणीय नेता जी के परिवार का या उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी डरता नहीं है किसी से, अपने विरोधियों से कभी वो डरता नहीं। हाँ, अहंकार है थोड़ा वो कह सकते हैं, मगर वो डरे हुए थोड़ा ही ज्यादा है। अब वो तो आप सब देख रहे हैं किस तरीके से आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल साहब को भी आपने कल देखा, उसपे नहीं कहूंगा, मगर डरे नहीं है। नेता जी के परिवार का व्यक्ति कभी डरता नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव साहब क्यों ना हो, आज हमारी विचारधारा नहीं मिल रही उनसे, मगर परिवार के हैं वो। और देखिए मैंने इनका सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव भी देखा, अच्छा, समाजवादी पार्टी का, उसमें से समाजवाद गायब हो गया। अच्छा, इनकी नीतियों से समाजवाद गायब हो गया, इनकी विचारधाराओं से समाजवाद गायब हो गया। जब तक भुवन भास्कर साहब जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, अच्छा, इनकी नीतियों से कभी समाजवाद वापस नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, गया कहाँ है? प्रगतिशील में गया है। अच्छा, प्रगतिशील चला गया, हमेशा से था। अरे वहाँ चला गया। शिवपाल सिंह यादव साहब ने लोहिया जी के, नेताजी के विचारों को लेके हमेशा आगे बढ़े। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, खुद उन्होंने कहा, अच्छा, कि उनकी पार्टी है वो समाजवादी विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो नहीं ले जा पा रहे, तब तो कह रहे हैं जी। तो बिल्कुल प्रगति समाजवादी पार्टी में, यदुकुल पुनर्जागरण मंच से हम सभी लोगों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। अच्छा, जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, सभी लोग, अच्छा, और भाई सभी जितने भी शोषित वंचित लोग हैं उनको एक करने में लगे। अच्छा, और थोड़ा ध्यान प्रवक्ता भाजपा से मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई पे दे दें। अच्छा, धर्म का चश्मा, देखिए इलेक्शन करीब है तो मैं समझूंगा थोड़ा चश्मा लग जाएगा, बात अच्छा, मेरी बुरी लगेगी, मगर उसको अच्छा, दिल पे मत लीजिएगा। अच्छा, आपका नैरेटिव है, नैरेटिव है चुनाव लड़ना, तो उस पे मैं नहीं कहूंगा, मगर देखिए धर्म का चश्मा उतार के, अच्छा, जो देश में महंगाई, अच्छा, जो देश में बेरोजगारी, हाँ, और जो देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अच्छा, आपको जनता ने उत्तर प्रदेश या देश में सरकार बनाया तो बहुत ही सही तरीके से आपको दिया था जी, मगर कहाँ जा रही है भारतीय जनता पार्टी आज, ये आप सब देख रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा, ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, आप इन सब दिलाएंगे ध्यान? हम लोग लगातार दे रहे हैं। अच्छा भाई, हम लोग तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाते हैं। अच्छा, हमारे ही नेता ने सबसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी भ्रष्ट है। अच्छा, जिसका फलस्वरूप आपने देखा, लेवाना कांड हो चाहे कोई भी कांड हो, हमारे नेता कभी किसी से डरते नहीं है। अगर जो सही है भाई, सम्मान भी दिया, लैपटॉप वितरण जो किया था योगी सरकार ने, उसका सम्मान किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि योगी जी ईमानदार हैं। अच्छा, मगर जो अधिकारी और जो लोग हैं वो भ्रष्ट होते जा रहे। अच्छा, तो लगातार हमारे नेता, देखिए तारीफ कर दी, बेहतर हमेशा सदन में करी। अच्छा, हमेशा सदन में करी। अच्छा, वो सच का आईना दिखाने काम करते हैं। समाजवादी को भी देखिए आईना दिखाने काम करते हैं, उनको बुरी लग जाती है। और भारतीय जनता पार्टी को तो लगातार आईना दिखाई। समाजवादी आईना दिखाएंगे तो आप नाराजगी तो होगी होगी। एक लाइन जवाब दे सकता हूँ? बोलिए 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 भाई। मैंने जो, देखिए भुवन जी और इखलाक भाई, मैंने डरा हुआ इसलिए कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भयभीत मतलब समाज से हैं या दल से जी। वो अपने लोगों से इतने भयभीत हैं कि अगर हम किसी दूसरे को बनाते हैं तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अंदरूनी डरे हुए हैं। आपकी बात को, और आपने जो कहा ना भुवन भास्कर जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात जी, इस बात से वो डरे हुए हैं। अच्छा, कि कहीं दूसरा कोई लेकर ना चला जाए। अच्छा, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि जहाँ पत्रक देना होता है वहां पर पटेल जी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो नहीं जाते हैं। अच्छा, तो उनको वो यस मैन चाहिए था कि जो उनके कहे पर चले, वो डर उनके अंदर है। मैंने अच्छा, बाकी की कोई हिम्मत और उसकी बात ही नहीं की। अच्छा, वो एक शेरदिल इंसान है, ठीक है, शेरदिल इंसान के बेटे हैं। ठीक है, ठीक, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ठीक है, बीर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? बीर भाई, चीता की बात नहीं, शेर की बात। आपको आदेश का आप बस सुन लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, आदेश आपको है जी। बोलिए बोलिए। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, सही जी है हमारे साथ में। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें कहा कि किसानों को हम मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी जब विधानसभा में हमारे विधानमंडल दल के नेता ने पूछा कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास प्रस्तावित है, तो सरकार ने इनकार कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं है। अच्छा, नहीं विचाराधीन है जी। तो इन्होंने जो घोषणा की थी उस पर ये विचार करें जी। और जो इन्होंने फीस बढ़ाई है बच्चों के लिए, उस फीस को वापस ले जी। अभी लखनऊ नगर निगम ने
30 रुपए प्रति वर्ष की जो फीस थी गाय पालने की उसको 500 रुपए कर दिया है। अच्छा। यानी 17% उसको बढ़ा दिया है, उसको विड्रा करें। अच्छा। जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों के आधार पर अच्छा ये अपना वादा पूरा करें। विरोध विपक्षी होने के नाते ये मेरी मांग भी है और सरकार से आग्रह भी है। अच्छा ठीक है, क्योंकि महंगाई बहुत है ठीक, और इस महंगाई पर नियंत्रण करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है ठीक है, राजनीतिक सारी बात तो हम लोग करते रहेंगे और हम इस पर अभी 6 महीने सरकार को पूरा हुआ है जी। और 6 महीने का जो बच्चा होता है जी, जो अभी हमारा घोषणा पत्र इसी 6 महीने पहले 7 महीने पहले आया था जी, वो 6 महीने का बच्चा जी, हमारे एक राजनेता ने कहा था कि 6 महीने का बच्चा 6 महीने बच्चा पैदा नहीं कर सकता जी। बहुत ही हमारे जो है यादव जी हर वहां पर सांसद थे, उन्होंने कहा था ये सदन में जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में जो भी है जी, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जी, कि जिसने अपने घोषणा पत्र के पीछे के घोषणा पत्र संकल्प पत्र जिसका नाम हमारा है जी, उसके मैक्सिमम वादों को पूरा किया योगी वन के उसमें, और हम लोगों ने उसको एक एक करके कई बार हम लोगों ने बहस की है उस पर जी, लेकिन कहीं जरा आप अपने साथी और अपने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर आइए, कितने वादे उन्होंने पूरे किए थे वो जरा देख लीजिए, बैलेंस अपने आप बराबर। तकी भाई हजरत आपकी बात पर, तकी जी आपके बात पर। नहीं 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 देखिए ऐसा ऐसा है जी, शिवरी शाही जी, सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, जनता ने आपको जनादेश दिया है। शाही जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज्ञा दें मुझे जल्दी जल्दी समय बरत प्रश्न आपसे बनता है, आज्ञा तो गौरव जी देंगे। पुरानी सरकारों की शिवरी शाही जी बताइए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है, आपने अभी तक सस्ता क्यों नहीं किया क्रूड ऑयल यहाँ भारत के अंदर, जो इंटरनेशनल मार्केट में कूड़ा सस्ता हो रहा है और रशिया से कूड़ा ले जा रहा है सस्ता हो रहा है, आपने वो भारत के लोगों को क्यों नहीं बेनिफिट दिया? कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हो गई थी, एक पैसा भी कम होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार को ये बताना चाहिए था कि प्रस्ताव मेरे पास विचाराधीन है, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हमने वादा किया है। अरे क्या तरह से हमें यहां पर प्रचार करेंगे, डिनाई कर दिया, इंकार कर दिया, अभी कार्यकाल खत्म थोड़ी ना हुआ है, क्या तरह 6 महीना हुआ है, अभी अभी कार्यकाल बाकी है। 6 महीने सरकार ये तो कहे कि हाँ हम इस पर विचार कर रहे हैं, भाई बता दीजिए शाही साहब, मुझे बता दीजिए, हम इस पर विचार कर रहे हैं तो हम मैंने कह दिया योगी वन का जो भी संकल्प पत्र में था मैक्सिमम 90% हम लोगों ने पूरा करके दिखाया है, पहली सरकार है जी जो सभी वादों को पूरा किया, और केंद्र में हमने 370 की बात की थी, 35A की बात की थी, राम मंदिर की बात की थी, सब पूरा करके दिखाया, सुविधाएं सारी सही हो गई। मैं तकी जी का जवाब दे दूं, बोलिए तकी जी, शायद आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था उस समय, यूपीए की सरकार चल रही थी, माननीय मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री थे उसी समय से डीजल और पेट्रोल को किस तरीके से बाजार के हवाले कर दिया गया था, सरकार का नियंत्रण वहां से हटा लिया गया था, डेट आपको मैं बता सकता हूँ, 10 तारीख 2012 में सस्ता हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो गया, आपको सस्ता करेंगे तो सस्ता नहीं, हम जब सस्ता होता है तो हम तेल का दाम अपने आप घटता है, कहाँ घटता है, आप कहाँ घटा देंगे, आप बताइए, नहीं नहीं अब सुन लीजिए, अरे भाई आपको जवाब तो सुन लीजिए, पंजाब में जरा पेट्रोल का दाम मिला लीजिए, उत्तर प्रदेश में मिला लीजिए, बिहार में 109 रुपए पेट्रोल है, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खरीदते हैं हम लोग सबको पता है, श्री गंगानगर में 125 रुपए पेट्रोल है, और लखनऊ में पहले से था, आज थोड़ी ना है, वो तो हमेशा तो महंगे पेट्रोल कूड़ा ऑयल था जी, ठीक है ठीक है, आप बताइए और कूड़ा को सस्ता कब किया जा रहा है सर, ठीक है हो गया हो गया, घुमाइए ना जलेबी की तरह, जोशी जी बात करिए, देखिए पहले तो खत्म करता हूं, पहले तो कभी भी मैं जो पैनलिस्ट कोई चर्चा व्यक्तिगत करते हैं उस पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आज जो मामला इन्होंने कहा है उसमें मैं बोलना चाहता हूँ, जितने हमारे पैनलिस्ट साथियों ने अपनी भावना रखी है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र ऐसे नेता है जो एक साधारण परिवार के किसान, मेरे दादा किसान थे और मेरे पिताजी, भुवन भाई हम लोग तो आपको देखना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष को कुछ नहीं कहना, वो अपने ठीक बने सर, मेरे प्लीज
एक साधारण किसान के पोते को, एक साधारण कर्मचारी के बेटे को, एक युवा कानून के प्रोफेसर को उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका दी कि मैं आपको और देश और प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मुझ जैसे साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। करिश्मा केवल माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। अब मुझे साई जी की बात का जवाब देना है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि अभी 6 महीने का बच्चा है, फिर ये देश को भ्रमित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये बच्चा पहली क्लास में आ गया है, 5 साल 6 माह का बच्चा, मैं टीचर भी हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये फिर भ्रमित कर रहे हैं कि 5 साल 6 माह का बच्चा एक पहली माह आता है। इसके साथ साथ जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, निश्चित ठीक है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा का विषय ये था कि अखिलेश यादव तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी के। मेहनत की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो सब त्याग करने को तैयार है। आने वाले समय में तमाम तरह के धरातली संघर्ष की रणनीति बनाई गई, पटकथा बनाई गई और बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का एक जो संकल्प है वो भी सर्वेक्षण में लिया गया। आने वाले समय में धरातली संघर्ष कितना होगा, कितने बूथ मजबूत होंगे, निकाय चुनाव सेमीफाइनल है 24 चुनाव के पहले का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही 27 कुर्सी जाती है केंद्र की, तो उस चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन रहता है ये भी बहुत बताएगा। और आने वाले समय में किस तरह से समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, अपने सहयोगियों को लेकर चलेगी और एक मिसाल पेश करेगी कि हाँ, अगर जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका में बैठाया है, उस विपक्ष की भूमिका के साथ हम न्याय करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। यहाँ पर ताजपोशी, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना केवल अपनी समर्थन से है और जनता ने समर्थन आपको विपक्ष की एक कुर्सी पर दिया है और विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दे उठाना आपका नैतिक कर्तव्य है और ये जनता के लिए आपका एक संकल्प भी होना चाहिए कि अगर जनता के लिए आप नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फिर परिणाम वही लगातार आ सकते हैं जो अब तक आए हैं। अगर बदलाव चाहते हैं तो धरातली संघर्ष जरूरी है और साथ ही जरूरी है संकल्प भी, और वो भी निष्ठा के साथ। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे जनमति नमस्कार। आप